विपक्ष में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। लगातार जो है बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रही है और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता कर कई विभागों के जो घोटाले हैं उसका उजागर किया और सीधे तौर पर कहा कि मैं अध्यक्ष के रूप में संवैधानिक पद पर था और इसी वजह से मैं कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन नज़रें हमारी हर चीज़ों पर थी, लेकिन अब विपक्ष में हूँ, एक प्रहरी के रूप में हूँ और विपक्ष जो है सरकार के जो हर एक योजना है उसकी समीक्षा करेगी और चाहेगी कि हर एक योजना जो है वो धरातल पर पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे और उन तमाम योजनाओं में जो घोटाले होंगे हम उनका पर्दाफाश जरूर करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले आप वो सुने। यही तो अवसर है कि आप बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं, लोग देखेगा, लोग पूछेगा और ये सिर्फ एक विभाग की नहीं, हर विभाग का साथ निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो, ये तमाम मिशन पर हमारे बच्चे भवन के बिना विद्यालय में धूप और बरसात और ठंड को झेलते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है, शिक्षक नहीं है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जल जीवन हरियाली पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। वर्तमान की बगैर चिंता किए जो भविष्य की चिंता करता है उसका वर्तमान जब नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में किसको आप बचाएंगे, किसके लिए काम कर रहे हैं। आज जो हमने आपको एक प्रहरी के रूप में, एक प्रतिपक्ष के रूप में जो सजग किया है, इसकी जवाब प्रतिपक्ष को ही नहीं पूरे बिहार की जनता, जो मालिक है लोकतंत्र का, गणतंत्र का, वो मालिक जानना चाहता है और सभी जनप्रतिनिधि सेवक के रूप में, लोक सेवक के रूप में सभी पदाधिकारी ईमानदारी से इस विषय को बताएं। अब आप समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा मामला है और विशेष कमेटी बनी है, तो जब आज पूछ रहे हैं कि वो करोड़ों रुपये के सीबीआई के जांच के घोटाले में चल रहे थे उस व्यक्ति को आपने कैसे यहां, और जब जांच की अनुमति हमने दिया, ये जांच की अनुमति 19 मार्च 2021 को विशेष कमेटी के लिए सदन में विषय आया था और जब विशेष कमेटी हमने बना दिया तो 15 चार 2021 को अवर सचिव के द्वारा पत्र गया और अपर राज्य परिषद के अपर सदस्य 12/4/21 को पत्र भेजा गया कि 9/4/16 को 7 सर्कुलर रोड मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में सूचित करना है। नंबर एक, किसके आदेश से अध्यक्ष कर्मचारी आयोग को दिनांक 9/4/16 को माननीय मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में पत्र देकर बुलाया गया था। दूसरा, क्या मंत्री श्रम संसाधन विभाग का इस पर अनुमोदन प्राप्त था। तीसरा, क्या श्रम संसाधन विभाग को यह ज्ञात नहीं था कि विवेक सांबत जो माननीय मुख्यमंत्री आवास पर स्किल डेवलपमेंट का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, भुवनेश्वर स्थित सीबीआई न्यायालय में दर्ज करोड़ों रुपये के घोटाले के नामजद अभियुक्त थे। दिनांक 9/4/16 को बैठक की कार्यवाही से अवगत कराई जाए। दिनांक 9/4/16 के
बाद कर्मचारी आयोग ने स्किल डेवलपमेंट की किस योजनाओं को कार्यान्वित किया? उक्त बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? शीघ्र याचित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब आप समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा मामला है और विशेष कमेटी बनी है, तो जब आज पूछ रहे हैं कि वो करोड़ों रुपये के सीबीआई के जांच के घोटाले में चल रहे थे उस व्यक्ति को, तो आपने सुना विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा है कि अब सरकार के जो भी घोटाले होंगे उसका हम खुलकर खुलासा करेंगे और सरकार की किसी भी गड़बड़ियों को हम जनता के सामने ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हम एक विपक्ष में हैं और विपक्ष की जो सकारात्मक रुख है हम उसको अपनाएंगे और विपक्ष का जो काम है उसको ज़रूर करेंगे और जनता के बीच आकर सरकार की जो भी गड़बड़ियाँ हैं या जो भी जनता की परेशानियाँ हैं उसको सरकार के समक्ष भी हम रखने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे थे एच न्यूज़ के साथ और देखते रहे थे एच न्यूज़।